नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हत्यारी राजमाता पार्ट टू। ऐसा ही होगा दुर्गा। दुर्गा को यह आशीर्वाद दे माँ वैष्णो देवी अंतर्ध्यान हो गई। माँ वैष्णो के दिए वरदान के प्रभाव से ठीक 9 माह बाद, महारानी दुर्गा, हमारा पुत्र तो बहुत तेज में है, हम इसका नाम तेज सिंह रखेंगे। फिर नन्हा युवराज राज के परंपराओं के अनुसार पढ़ने लगा। वह सबकी आंखों का तारा था, पर अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था जब वह युवा हुआ तो। ओह, मुझे क्या पता था कि मेरी कोख से उत्पन्न पुत्र ऐसा दुष्चरित्र निकलेगा। उन्हीं दिनों महिपाल सिंह की अकस्मात मृत्यु हो गई और तेज सिंह को महिपालपुर का राजा बनाया गया। राजा बनते ही तेज सिंह पूरी तरह से भोग विलास में डूब गया। एक दिन, राजन, यदि आप 101 कुंवारी राजकन्याओं की एक साथ बलि देकर तांत्रिक यज्ञ करवाएं तो आप शीघ्र ही चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। तांत्रिक कालकूट, आज से तुम हमारे मेहमान बनकर महल में ही रहोगे और तुम ही वह तांत्रिक यज्ञ संपन्न करवाओगे। ठीक है राजन। और उसी दिन से तेज सिंह के गुप्तचर देश देश में घूमकर कुंवारी राजकुमारियों का अपहरण करने लगे। बचाओ! अपहृत राजकुमारियों को महिपालपुर से बाहर बने एक महल में इकट्ठा किया जा रहा था। हाय, हमारी तरह यह बेचारी भी आज बंदनी होकर यहाँ आ गई है। एक दिन, तेज सिंह, तुम आजकल नगर के बाहर उजाड़ में बने महल में बहुत आ जा रहे हो, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं? माँ, आप व्यर्थ ही शंकित हो रही हैं। देखो तेज सिंह, अगर तुमने उस महल में कोई नीति के विरुद्ध कार्य किया तो तुम्हें इसका दुष्परिणाम झेलना होगा। उस रात तेज सिंह की आंखों से नींद कोसों दूर थी। माँ को मुझ पर शक हो चला है, यदि उसी राजकुमारियों के अपहरण के बारे में तनिक भी भनक पड़ गई तो वे मुझे बख्शेगी नहीं। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे माँ मुझे मरने का शाप ना दे सके। वह उपाय भला क्या हो सकता है? बहुत सोचने पर, यदि मैं माँ की जीवा काट लूँ तो गूंगी माँ मुझे शाप न दे सकेगी। और वह उसी समय दबे पांव राजमाता दुर्गा के शयन कक्ष में जा पहुँचा। और जब दुर्गा पूरी तरह बेहोशी में डूब गई, खचाक! आहा, अब माँ की ओर से मेरा सारा डर खत्म हो गया है। सुबह होने पर जब दुर्गा को होश आया, दुर्गा ने पीड़ा से कराह कर चीखना चाहा, पर उसके मुंह से चीख न निकल सकी। फिर वह अपने आप को आईने में देख भौचक्की रह गई। यह क्या, मेरे मुंह में तो जीवा ही नहीं है, किसने काटनी मेरी जीवा? शीघ्र ही यह समाचार सारे महल में फैल गया। तेज सिंह दिखाने के लिए राजमाता दुर्गा के पास बदहवासा दौड़ा दौड़ा आया। माँ, माँ, यह क्या हो गया? इस घटना के 10 दिन पश्चात, दुर्गा, देख लिया अपनी हट का परिणाम? न तो बरसों पूर्व मुझसे पुत्र मांगती, न आज तुझे इस प्रकार गूंगी बनना पड़ता। मैं जानती हूँ कि तू मेरी इस बात का मतलब समझना चाहती है, लेकिन मैं पहले तुझे तेरी जीवा को वापस लौटा दूँ। यह कह वैष्णो देवी ने जैसे ही दुर्गा की ओर अपना दायां हाथ किया, ओह, मेरे मुंह में जीवा आ गई। माँ, अब मुझे बताइए कि मेरी उस हट का मेरे गूंगी होने से क्या संबंध है? सुन दुर्गा, तेरा पथभ्रष्ट पुत्र तेज सिंह चक्रवर्ती राजा बनने के लिए नगर के बाहर वाले महल में 101 कुमारी राजकुमारियों की बलि देने की तैयारी कर रहा है। ओ माँ, तेज सिंह चक्रवर्ती राजा बनने के लालच में इतना जघन्य हत्याकांड करने जा रहा है? हाँ दुर्गा, सिर्फ इतना ही नहीं, तेज सिंह ने तेरे शाप से बचने के लिए स्वयं ही तेरी जीवा काटकर तुझे गूंगी बनाया था। हैं? दुर्गा, अब यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। देखती हूँ तुम पुत्र मोह में फंसकर अपने पुत्र की जान बचाती हो या 101 राजकुमारियों की। माँ, आप ठीक कह रही हैं, वाकई मेरा फर्ज निभाने का समय आ गया है। यह सुन वैष्णो देवी अंतर्ध्यान हो गई थी और दुर्गा ने अपने रथ के सारथी को आदेश दिया, सारथी, रथ को नगर के बाहर वाले महल की ओर ले चलो। जो आज्ञा राजमाता। राजमाता तो गूंगी हो गई थी, फिर ये पहले की तरह कैसे बोलने लगी? जब रथ नगर के बाहर बने महल के बाहर पहुंचा, राजमाता, आप महल के अंदर नहीं जा सकती, वहां महाराज एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर रहे हैं। पहरेदार, तुम्हारी इतनी जरूरत? दुर्गा ने फौरन अपने वस्त्रों में छिपी कटार बाहर निकाली और खच, आह! फिर दूसरे पहरेदार का भी हर्ष पहले वाले पहरेदार के हर्ष जैसा ही हुआ। जब दुर्गा ने महल में प्रवेश किया, बलि की शुभ बेला का समय हो गया है महाराज, अब आप बलि का शुभ कार्य संपन्न कीजिए। तांत्रिक कालकूट का आदेश पाकर जैसे ही तेज सिंह ने खड़ग ऊपर उठाई, ठहर जा दुष्ट तेज सिंह, ठहर जा।
राजमाता, आप बोल सकती हैं? हाँ दुष्ट, मैं बोल सकती हूँ। तुझे शाप देने के लिए माँ वैष्णो देवी ने स्वयं मेरी कटी जीवा पुनः वापस की है। क्या नीच, तू इन निरी राजकुमारियों की बलि चढ़ाने जा रहा था। जा, मैं तुझे मर जाने का शाप देती हूँ, तू इसी समय मर जा। अगले ही पल आह, तत्काल ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब दुर्गा तांत्रिक कालकूट की ओर लपकी। कचाक, आह, मरते मरते तांत्रिक कालकूट ने दुर्गा को शाप दिया। राजमाता दुर्गा, तूने मुझ पर वार करके अच्छा नहीं किया, जा मैं तुझे कोड़ी हो जाने का शाप देता हूँ। और दुर्गा फौरन कोड़ी हो गई। आह, मेरा इतना घिनौना रूप, हाय, ओह। तब दुर्गा ने मन का अवसाद छिपाकर सारी राजकुमारियों से कहा, अब तुम सब आजाद हो और अपने अपने राज्य वापस जा सकती हो। तब राजमाता दुर्गा अपनी अवस्था से दुखी होकर महिपालपुर वापस नहीं लौटी और उसी क्षण जंगलों की ओर चली गई। और जानते हो, पूर्व जन्म में तुम ही राजा तेज सिंह थे। क्या? हाँ राजा गणेश्वर, तुम्हारे पूर्व जन्म की माँ दुर्गा आज भी मोक्ष की तलाश में भटकती फिर रही है और वह तुमसे मिल भी चुकी है। ओह, कौन है वह? वही कोड़ी बुढ़िया जो तुम्हारे राज्य में गंगा नदी में स्नान कर मुक्ति पाने आई थी और जिसे तुमने दुत्कार दिया था। वह पूर्व जन्म की मेरी माँ थी। उफ, उस अभागिन को दुत्कार कर मैंने कैसा घोर अपराध किया है। ऋषिवर, क्या पूर्व जन्म की मेरी माँ दुर्गा के कोड़ से मुक्ति का कोई उपाय है? उपाय तो है राजन, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने पुत्र सुरेश्वर व पुत्र वधु पुष्पवली की मुक्ति का उपाय करना होगा। पुत्र वधु पुष्पवली? यह पुष्पवली कौन है और मेरा पुत्र सुरेश्वर किस संकट में फंसा है? मैं तुम्हें विस्तार से सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे विद्युत घोड़ों को वापस कर दोगे और बंदी गृह में पड़े राजा कुंतल सेन को मुक्त कर उनको उनका राज्य सौंप दोगे। साथ ही अपना अहंकार व क्रोध त्याग कर सदैव प्रजा के हित में अपना समय व्यतीत करोगे। मैं वचन देता हूँ। गणेश्वर ने जब 3 बार इस बात का वचन भरा, तब माधव ऋषि ने उन्हें बताया, युवराज सुरेश्वर राजा कुंतल सेन की पुत्री पुष्पवली के साथ साकेत वन के गंधर्व मंदिर में जाकर उससे गंधर्व विवाह के बाद जब सांची नगर लौट रहे थे तो राह में ही तलीझन नाम के तांत्रिक ने बलि हेतु उन दोनों का अपहरण कर लिया है। ओह, इस समय साकेत वन के एक खंडर में तलीझन तांत्रिक उनके बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हें उन दोनों को उसके चंगुल से छुड़ाना है। लेकिन ऋषिवर, मैं भला इस हालत में साकेत वन कैसे जाऊंगा? तब माधव ऋषि ने आगे बढ़कर गणेश्वर के सिर पर हाथ रख दिया, जिससे सिंहासन से चिपका बैठा गणेश्वर छूट गया। गणेश्वर तत्काल विद्युत घोड़े पर बैठकर साकेत वन की ओर चल दिया। जब वह साकेत वन के खंडर के बाहर पहुंचा, यहाँ तुम्हें कौन बचाने वाला है? तुम व्यर्थ ही चिल्ला रहे हो। अरे, यह तो युवराज सुरेश्वर की आवाज है। गणेश्वर तीव्र गति से दौड़ता हुआ खंडर में जा पहुंचा। ओह, यह तांत्रिक तो सुरेश्वर व पुष्पवली की बलि चढ़ाने ही वाला है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। गणेश्वर ने तुरंत तांत्रिक तली झन की ओर छलांग लगाई। खचाक, आह, पिताजी महाराज, आप? फिर गणेश्वर ने आगे बढ़कर सुरेश्वर व पुष्पवली के बंधन काट डाले। पिताजी, मुझे क्षमा कर दो, आपको बिना बताए मैंने राजकुमारी पुष्पवली से गंधर्व विवाह कर लिया है। सुरेश्वर, हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे बच्चों, तुम सदा सुखी रहो, सुख ऐश्वर्य तुम्हारे कदम चूमे। फिर वरतपुर पहुंच गए। ऋषिवर, लीजिए अपने दोनों विद्युत घोड़े संभालिए। राजन, आपके बदले हुए व्यवहार को देखकर मैं यह दोनों घोड़े आपको ही दे रहा हूँ। तब गणेश्वर कारागार में कुंतल सेन के पास पहुंचा। राजा कुंतल सेन, मैं तुम्हें अपनी कैद से मुक्त कर तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस सौंपता हूँ। अब तुम मेरे दुश्मन नहीं बल्कि समधी हो। क्या? तब गणेश्वर ने कुंतल सेन को विस्तार पूर्वक सारी बात बताई और उसे मुक्त करके माधव ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषिवर, अब आप मुझे मेरी पूर्व जन्म की माँ दुर्गा के शाप मुक्त होने का उपाय बताइए। राजन, इन दिनों राजमाता समीप के कुशल वन में रह रही है। मैं तुम्हें अभिमंत्रित किया हुआ जल दे रहा हूँ, तुम वह जल राजमाता को पिला देना, वह शाप मुक्त हो जाएगी। शीघ्र ही वह कुशल वन जा पहुंचा। वह रही वह कोड़ी वृद्धा। माँ, मैं तुम्हें शाप से मुक्ति दिलाने आया हूँ। कौन है रे तू? माँ, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा बेटा तेज सिंह था। इस जन्म में मैंने राजा गणेश्वर के रूप में जन्म लिया है। ओह, आहा, जल पीते ही मेरा कोढ़ समाप्त हो रहा है।
माँ अब तुम शाप मुक्त हो गई हो। बेटा गणेश्वर, तूने मुझे शाप मुक्त करा के ठीक नहीं किया, अब मैं कहाँ जाऊंगी, इस दुनिया में मेरा कोई भी तो नहीं है। माँ यह तुम क्या कह रही हो, मैं जो तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। फिर राजा गणेश्वर अपनी माता दुर्गा को राजमहल में ले गया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।